हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज है 22 दिसंबर और अब बात करते हैं आज के इवनिंग बूस्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से आज के हिमाचल प्रदेश के और नेशनल या फिर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। कल मैंने आपसे पूछा था कि ऐसे ही पैटर्न फॉलो करना है या फिर चेंजेस करना है, तो मैक्सिमम ने बोला है कि यही ठीक है, तो यही हम फॉलो करेंगे जैसा आप लोग बोलोगे। सबसे पहला यहाँ पर करंट अफेयर है, विच क्रिकेट प्लेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सिलेक्टेड बाय मुंबई इंडियंस इन IPL 12। ठीक है, IPL 12 जो अभी ऑक्शन हुई थी उसकी, ठीक है, यानी कि प्लेयर्स जो सिलेक्ट किए गए थे कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कहां पर हुई थी, वो हुई थी हमारी जयपुर में। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी आईपीएल 12 में मुंबई इंडियंस की टीम में चुना गया है? यहां पर आपके पास चार प्लेयर दिए गए हैं, साथ साथ आपको आंसर देना है ताकि आप एक तरह से इसको मॉक टेस्ट की तरह ले सके। तो उसका जो सही आंसर है वो है पंकज जायसवाल। ठीक है, मुंबई इंडियंस की टीम से लिया गया है इनको और 20 लाख रुपए में जो है इनको खरीदा गया है। उसके अलावा एक और प्लेयर लिए गए हैं हिमाचल से, इसी बार दो ही खिलाड़ी हुए हैं, तो अंकुश बैंस जो है वो लिए गए हैं दिल्ली की टीम में, दिल्ली कैपिटल की टीम में। तो दोनों प्लेयर हैं, इनका आपको दोनों का नाम याद रखना है। ऋषि धवन जो है इस बार सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो ये दो प्लेयर हैं जिनका आपको पता होना चाहिए हिमाचल से जो है आईपीएल में सिलेक्ट हुए हैं। आईपीएल के जब भी मैच शुरू होंगे आपको देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च्ड अ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पीशीज या बर्ड। 20 दिसंबर 2018 है ये, ठीक है, 19 नहीं है, को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस जानवर प्रजाति पक्षियों की आबादी के लिए रक्षा के लिए संरक्षण परियोजना शुरू की है? ठीक है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं चार, जिसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका आंसर है एशियाटिक लॉयन, यानी कि एशियाई शेर, सॉरी, ठीक है। तो एशियाई शेर के लिए इस संरक्षण या परियोजना को नाम दिया गया है एशियाई शेर संरक्षण परियोजना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओसिनोग्राफी कैटेगरी 2C2C ऑफ यूनेस्को विल बी एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ठीक है, तो ऑपरेशन ओशियनोग्राफी के लिए प्रशिक्षण केंद्र यूनेस्को का एक श्रेणी 2 केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा? यहां पर आपके पास चार शहरों के नाम दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास हैदराबाद। साथ साथ आपको आंसर देना है ताकि आप चाहे गैस से दे रहे हो, चाहे आप तुक्का मार रहे हो, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, कभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको एक रहेगा कि एक बार मैंने हाँ पढ़ा था, तो उसी तरह से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिसेंटली इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT, फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, लॉन्च्ड एन ऑटोमोटिव सर्टिफिकेशन फॉर मेनली टू प्रिवेंट। हाल ही में ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र ने मुख्य रूप से निम्न में से किस चीज को रोकने के लिए मोटर वाहन प्रमाणन शुरू किया है? तो यहां पर ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है फॉल्स सर्टिफिकेट, यानी कि जाली जो सर्टिफिकेट होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट 2018 वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी। SDG इंडिया इंडेक्स जो होता है, बेसलाइन रिपोर्ट होती है 2018, निम्नलिखित में से किस इकाई द्वारा जो है लॉन्च की गई? तो यहां पर आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा ये जो है बेस लाइन रिपोर्ट 2018 होती है, ये लॉन्च की जाती है हर साल। और एक क्वेश्चन यहां से और भी बनता है कि इसमें जो है कौन सी जो स्टेट्स हैं टॉप किया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो रैंक पर है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसी के साथ दूसरे नंबर पर जो है वो है हमारा केरला, वैसे दोनों का जो है वो सेम 69% है रैंकिंग जो है। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो हमारा है वो है चंडीगढ़, और चौथे नंबर पर जो है वो है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये याद रखना है, हिमाचल प्रदेश से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, हिमाचल प्रदेश जो है पहले नंबर पर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच थ्री स्टेट्स बिकम्स बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन PMMVY, यानी कि प्रधानमंत्री मातृ वृंदा योजना में कौन से तीन राज्यों ने जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन राज्य बने हैं? यहां पर आपके पास राज्यों के नाम दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश, और फिर है हमारा मध्य प्रदेश। तो हिमाचल के आज बहुत सारे करंट अफेयर हुए हैं। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट 2250 यानी कि 2250 करोड़ स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए 2250 करोड़ की योजना शुरू की है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है झारखंड, 2250 है,
अगर मैंने 22,000 बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट्स कालिया स्कीम फॉर फार्मर्स ऑफ 10,000 करोड़। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए 10,000 करोड़ की कालिया स्कीम शुरू की है? और कुछ ऑब्जेक्शन भी इस स्कीम पर लग रहे हैं, ठीक है, रिजेक्ट, आई थिंक रिजेक्शन में ये स्कीम जाने वाली है, बट किसने शुरू की थी उसका बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो वो की गई है हमारी उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और कालिया की फुल फॉर्म कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगुमेंटेशन, ठीक है, ये आपको कालिया की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डे। डे वगैरह आपको जरूर याद होनी चाहिए। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हमारा 22 दिसंबर को, ठीक है। तो आज है हमारा नेशनल मैथमेटिक्स डे। किसकी याद में मनाया जाता है? गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुज, उनकी जो है पुण्य तिथि पर जो है ये मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है आज के दिन में कौन सा डे है। नेक्स्ट है पीबीएल प्रीमियर बैडमिंटन लीग रिसेंटली स्टार्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी। पीबीएल की शुरुआत हाल ही में ही किस भारतीय शहर में हुई है? तो वो हुई है हमारे मुंबई में, और इसका जो समापन होगा वो होगा हमारा बेंगलुरु में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दीपाली बोरा ठाकुर वो वॉज रिसेंटली डाइड आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। दीपाली बोरा ठाकुर जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित थी, ठीक है, तो वो थी हमारी सिंगर, ठीक है। तो ये असमिया जो थी, असमिया गायिका थी, यानी कि असम की रहने वाली थी असमिया गायिका, और इनको जो है असम की कोकिला भी कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असम की कोकिला, तो ये भी चीज आपको दो पॉइंट याद रखने। असम से कहां से, क्वेश्चन रिवर्स हो सकता है कि कहां से रिलेट करते हैं ये, तो असम से करते हैं, ठीक है। और असम की कोकिला किसको कहा जाता है जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, दीपाली बोरा ठाकुर। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, हिमाचल के बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर थे आज की वीडियो में, तो जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।